सात चौके पांच छक्के उन्होंने लगाए। रोहित शर्मा का बल्ला चला, रोहित शर्मा ने 24 गेंदों में 38 रन बनाए, तीन चौके तीन छक्के। सूर्या भाऊ का बल्ला चला है, सूर्या भाऊ ने लगाए 52 रन, वो भी 19 गेंदों में 273 रन। लोग कह रहे थे कि भाई सूर्य कुमार यादव इंजर्ड है, आउट ऑफ फॉर्म है, भाई देख लो कितने आउट ऑफ फॉर्म है। उसके बाद अगर हम देखें आरसीबी के गेंदबाजों की, तो खैर क्या ही चर्चा करें, ये मुकाबला एक तरफा अंदाज में जो है मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। आरसीबी का कोई गेंदबाज कोई खास कमाल कर नहीं पाया और मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को 7 विकेटों से जीत लिया है, और वो भी लगभग 4.5 ओवर पहले। प्रकाश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अभिषेक सर भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आप दोनों का। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले प्रकाश सर, मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई आज मुंबई ने ना बता दिया यलगार हो, यलगार हुआ है। 10 टीमें आईपीएल में, उनको बता दिया है कि मुंबई वापस आ गई है, आमची मुंबई। रोहित की सेना है, भूत भगा देगी भूत। रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस है, हार्दिक वाली मुंबई इंडियंस नहीं है, हार्दिक जी, वाली मुंबई इंडियंस। हमने शुरू के 3 मैच देखे हैं, देख लिया ना आपने पहला मैच जीतने के बाद, वो मैच कैसे जीते रोहित के उनचास। लेकिन प्रकाश सर कागजों पर तो मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की है, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। आज फिर दर्शकों ने बता दिया ना किसकी है, हार्दिक पांड्या आए बैटिंग करने के लिए, दर्शक बता रहे थे किसकी मुंबई इंडियंस है। वो तो है, आप बंद कमरों में कुछ फैसले कर लेते हो उससे सब कुछ नहीं बदल जाता है, सही बात। मुंबई के दर्शकों ने आज भी बैटिंग करने आया हार्दिक, पहले गेंद पे भाई ने छक्का मारा। विराट कोहली ने दर्शकों से अपील की है कि भाई यार मत करो यार, अपना ही बच्चा है, अपना ही छोटा बच्चा है, जाने दो मत करो, हो जाने दो, हो गया। और ये 37 साल का बैट्समैन है रोहित शर्मा, 24 गेंदों में 38 रन। ईशान ने इसको कहा भैया आज मैं खेलूंगा, आज मेरे को खेलने दो, रोज आते हो इधर उधर करके चले जाते हो, आज मेरा नंबर। 34 में 59 ईशान किशन, 202 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके 5 छक्के। तो आज तो बात हो गई, नहीं तो हम। और सूर्या इज बैक स्काई, सूर्य कुमार यादव। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते थे, ये रोहित की टीम है यार ठाकुर, ये रोहित के लड़के हैं, रोहित के बनाए लौटे हैं ये सब, ये सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, बुमराह। मैच के बाद तुमने एक क्लिप देखी होगी, बुमराह और सूर्या भाव किधर बैठे हैं, बीच में रोहित शर्मा बैठे हैं, राइट हैंड में बुमराह, लेफ्ट हैंड में सूर्य कुमार यादव। ये रोहित शर्मा की टीम है, आप कहीं आके कुछ भी। और यार हार्दिक पांड्या को एक चीज बताओ, 5 गेंद खेलने के बाद ग्लव्स गीले नहीं होते, कुल 6 गेंदे खेली होती, और 6 गेंदे खेल के यार भाई ऐसे ऐसे कर रहा है उधर स्टेडियम की तरफ देख के, ले आओ ग्लव्स ले आओ, ये सब नहीं करोगे तो भी लोग नहीं करेंगे तुमको, तुम ये सब क्यों करते हो भाई, लोग वहां तुमको। आज विराट कोहली ने बचा लिया, और देखो मैनेजमेंट ने, मुझे लगता है बंद कमरों में कुछ चीजें तय हुई हैं जिससे मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स का मेंटेलिटी बदला है। लोग आज से पिछले 2 मैचों में जो टीम का परफॉर्म, भाई ये बताओ T20 मैच चल रहा था, मजाक चल रहा था, ऑलमोस्ट 5 ओवर पहले मैच जीत गए ये लोग, बिल्कुल जिस हिसाब से इन लोगों ने रन बनाए, विराट कोहली सोच रहा होगा कि यार आज 300 रन बनाने चाहिए थे, 197 तो वो माने ही नहीं है, 4-5 ओवर रह गया ना। आप ये समझ लो आज के मैच के बाद ये रोहित शर्मा की टीम है जिसने बता दिया है कि पहले भी ये लोग शुरुआत के 2-3 मेरे ख्याल से एक बार 4 मैच हार के मुंबई ट्रॉफी लेके चली गई, एक बार शुरुआती 3 मैच हारे, उसके बाद ये लोग फाइनल खेले। इस बार भी मुंबई शुरू के 3 मैच हारी है, लेकिन वो टीम हार्दिक पांड्या की टीम थी, ये वाली टीम जो निकल के आए गुरु रोहित शर्मा की टीम, और ये टीम बहुत खतरनाक है। अब आज से वो चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, वो चाहे कोई भी कप्तान हो जिनको लग रहा हो वो बहुत बड़े आईपीएल के तुर्रम हैं, उन सबको आज का मैच देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये रोहित शर्मा की टीम आ गई है वापस, और यहां से कहानी बिल्कुल आईपीएल की बदल जाएगी। और ठाकुर तुम यकीन करो कि आईपीएल यहां से अपने रॉकेट की तरफ जाएगा, मतलब ये श्रृंखला अब उठेगा यहां से। अभिषेक सर जो है बहुत देर से आपको रोकना चाह रहे और कुछ कहना चाह रहे, उनके मन में भी कुछ है। पिछले लाइव सेशन में आप अभिषेक सर को ढूंढ रहे थे और उसी लाइव सेशन ऑफिस आते ही उन्होंने कहा है कि भाई
लाइव में जुड़ूंगा, कुछ कहना है आपको तो अभिषेक सर क्या कहना चाह रहे हैं? एक लाइन कह रहा हूँ, मुंबई जैसे मुझे रोना है भाई आरसीबी के लिए, मैं रोना चाहता हूँ, बहुत फूट फूट के रोना चाहता हूँ। कौन सी किस्मत देकर पैदा हुआ कि आरसीबी का फैन बना भाई, 10 साल 15 साल कितने साल, विराट कोहली खुद माथा पीटा है, ऑरेंज कैप लिए बैठे हैं, क्या करें, ऑरेंज कैप तो है माथे पे, ये ट्रॉफी कब आएगी गुरु, ट्रॉफी चाहिए उसको, आरसीबी के फैंस पागल हो गए, ये चल क्या रहा भाई, ये टोपी उठा के फेंको, ये टोपी उठा के फेंको, अगर ये टोटका है तो इसको फेंको, कोई टोटका करो, कोई काला जादू करो, कुछ करो। अरे लड़कियों ने भी, अभी दूसरा ही सीजन था ना वुमेन्स आईपीएल वाला, लड़कियां जीत गई है भाई, विराट कोहली डुप्लेसिस, अरे भाई या तो विराट कोहली आईपीएल खेलना छोड़ दे। जैसे एक वक्त था ना, देखो सौरभ गांगुली बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बाकी के और भी बहुत सारे लोग थे, वर्ल्ड कप नसीब नहीं हुआ ना, सचिन तेंदुलकर आखिरी बार वर्ल्ड कप जीते 2011 में, ऐसा लगता है अपने, मतलब यार कितने सीजन हो गए अब तो, मतलब मैं बहुत हार्डकोर विराट का फैन नहीं हूं, लेकिन मुझे भी बुरा लगता है कि जिस तरह से वो लड़का इतना एफर्ट डाल के खेलता है, मैदान में भागता है, फील्डिंग में भागता है, लोगों से लड़ता भी है, लेकिन ये टीम आईपीएल कब जीतेगी, कब जीतेगी, ये दर्शक पूछ रहे, फैन पूछ रहे, फैन को लग रहा है क्या करें, या तो आईपीएल का नाम बदल दो, नाम बदल दो, इंडियन प्रीमियर लीग से नहीं हो रहा तो कुछ और नाम रख दो, शायद जीत जाए, शायद इस नाम लेकिन ट्रॉफी जिस दिन जीतेगी विराट कोहली, जिस दिन ट्रॉफी जीतेंगे आरसीबी, जिस दिन जीतेगी ना, उस दिन आपको बुलाया जाएगा वहां पे। अरे कब जीतेंगे, कब जीतेंगे, हम भी चाहते अरे भाई जीतें। आप तो मुंबई कहां से जीत गई आपकी अभी, अरे इस सीजन आरसीबी ही जीतने वाली है। ये बहुत बड़ा जोक था, ये बहुत बड़ा जोक था प्रकाश सर, ये बात तो विराट कोहली, मतलब मैं प्रकाश भाई बार बार आरसीबी के लिए बोल रहा हूँ, भगवान मेरी जुबान पे सरस्वती आ जाए, एक बार तो विराट कोहली के लिए जिता दो यार, मुझे बाकी खिलाड़ियों के लिए कोई चिंता नहीं, हमारे खेलने से जीते तो हम तो अभी ट्रॉफी लेके देते, लेके वो बंदा बाउंड्री पे इतनी तगड़ी फील्डिंग करता है यार, वो आदमी बताइए कितनी मेहनत करता है, बॉल ऐसे पकड़ता जैसे उम्र 18 साल, यार भाई बस चले ठाकुर, अगर हमारा बस चले तो इस आईपीएल को यही रोक के ट्रॉफी लेके कोहली दे दे, बोले तुम जीत गए जाओ, लेकिन खेलना पड़ेगा ना यार, हम तो यही कैंसिल कर दें कोहली के, लेकिन विराट कोहली तो परफॉर्म कर ही रहे, विराट कोहली फाफ डुप्लेसिस ने भी आज अच्छा किया, वो कंटिन्यू अच्छा कर रहे, गलती क्या हो रही है प्रकाश सर, आपको क्या लगता है आरसीबी की मैनेजमेंट को, बढ़िया पंडित को बुला के अपने ड्रेसिंग रूम में, जहां भी उन लोगों का ऑफिस होगा, वो काला जादू टाइप का जो भी कोई साया है उसको भगाना चाहिए, किसी की नजर लग गई है उस टीम को, कुछ तो चक्कर है, या तो अपने ड्रेस का कलर बदल दीजिए, अपनी टीम का नाम कुछ और कर दीजिए, कुछ नए शब्द जोड़ लीजिए, कुछ करिए, टोटका करते ना बैट्समैन कि पहले राइट में ग्लव्स पहनेंगे फिर लेफ्ट में पहनेंगे, टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा, टीम तो खेल ही रही है भाई यार, आज 6ठा मैच था, बताओ 5वां मैच हार गए, 5वां, और इस आईपीएल में जो लीडिंग रन वाला गेटर है वो विराट कोहली टोपी लिए घूम रहे, उनका प्लेयर सबसे ज्यादा रन बना रहा है, मैच नहीं जीत रहे, क्या करें, अब तो आरसीबी के फैंस इस पर बात भी नहीं करना चाहते कि हम कब जीतेंगे, उन्होंने ईश्वर पे छोड़ दिया है कि महादेव अब तो आप ही देख लो, ये विराट से तो नहीं हो रहा, अब आप देख लो, आप जितवाओगे, खबर सुन लेंगे कि अच्छा अच्छा जीत गए तो जाके नारियल फूल चढ़ा लेंगे लोग जाके, क्या प्रकाश भाई आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, मैं टीम को नहीं, मैं क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, क्या प्रकाश सर सेफ खेलते हैं, प्रकाश सर सेफ खेलते हैं, मैं टीम को नहीं, मैं क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, आज की जो क्रिकेट है बताओ, मुंबई और आरसीबी में क्या लगा तुमको, क्रिकेट कौन खेल रहा था, मुंबई खेल रही थी, बहुत अंतर था यार दोनों ही टीम्स में, नो डाउट विराट कोहली के लिए दुख होता है, लेकिन ये भी है कि आरसीबी जो है उसको एक बार सोचना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा भाई कि उनको इनके साथ क्या गलत हो रहा है, और उनको मंदिर वंदिर जाना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, आरसीबी जो है अब जो मुंबई इंडियंस के जो फैंस थे, प्रकाश भाई आपने मैच के दौरान देखा होगा, उसमें बहुत सारे एमआई के टी शर्ट में थे, और वो लोग जो है देखा कि आरसीबी के तो फैंस भी नहीं है और बहुत उदास है, तो उन्होंने जो है मोरल सपोर्ट कर रहे थे उसमें की,
लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्या करिए, सब फर्जी बातें हैं आरसीबी को लेकर, क्योंकि आरसीबी जो लगातार क्या करें, अब दर्शक विराट विराट ही चिल्ला सकते हैं, दर्शक जाके बैटिंग तो नहीं करेंगे, फील्डिंग तो नहीं करने लग जाएंगे कि तुम लोग जाओ हम लोग देख लेते, तो नहीं होगा ना भाई। दर्शक नारा ही लगा सकता, दर्शक नारा लगा रहा, भगवान को पूजा भी कर रहा है, विराट विराट भी चिल्ला रहा है, लेकिन क्या करिएगा, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है आरसीबी वालों को, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे बढ़िया पंडित ओझा गुनी किसी को दिखवाएं कि कौन सी रेखा में किधर क्या जा रहा है, कुछ क्रॉस कनेक्शन हो गया है उसको ठीक करवाइए भैया, नहीं ये कब तक तुम लोग आईपीएल खेलते रहोगे, और हम पता लगे आज से 20 साल बाद भी जब हमारी उम्र 50-55 की हो जाए इसी बात पर बहस कर रहे हो कि विराट कोहली कमेंट्री में बैठे हैं आज भी इस इंतजार में है कि आरसीबी कब जीते, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भी मतलब उस समय तक क्रिकेट की उम्मीद छोड़ दें, लोग अपना देखें, विराट कोहली की बच्ची है, लड़का है, लड़के की शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है, तो विराट से लोग बारात में पूछ रहे हैं अरे आपकी टीम कब जीतेगी, आईपीएल जीतेगी कभी, भाई ये सब पहले कर लो यार, विराट का मुंह देखते हो बेचारा क्या करेगा, वो 11 लोगों का खेल है ये, 11 खिलाड़ी, अब आज ही देखो 200 रन बना के हार गई टीम, 4 ओवर रहते हार गई, बाप रे बाप, ईशान किशन वो जो सिराज का तो भूत उतार दिया ईशान, हमको लग रहा है कभी कुछ ईशान नेटवर्क में बोल दिया होगा इसको, सिराज बोलता है ना, सिराज थोड़ा बड़बोला है, ईशान को कभी कुछ बोल दिया होगा, आज बोला आओ यार आओ सिराज भैया आओ, क्या लपेटे में लिया भाई, क्या लपेटे में लिया, किधर का शॉट किधर मारा उसको, वो शॉट देखा आपने जो उसने स्क्वायर कट की तरह मारा पॉइंट के ऊपर से, वो छक्का मारा भाई बैठ के मारा उसने ऊपर, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, मैं फिर से आपसे अभिषेक कह रहा हूं कि यही टीम थी ना, यही प्लेयर थे ना, पहले मैच से क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा था, ये वाली